ये लीजिए आपकी चाय। कितने हो गए भैया? 20 रुपये। क्या भैया आज फिर एक्स्ट्रा पैसे दे? कोई बात नहीं, रख ले। जी पापा, आपको पता है आज आपके बेटे ने पूरे 2 लाख की डील की है। हाँ, बस बॉस को पैसे देने जा रहा हूँ, उसमें से 15-20 हज़ार वो मुझे कमीशन दे देंगे। हाँ जी पापा, ईद का सारा खर्चा निकल गया। चले मिलते हैं शाम को। मेरे पैसे कहाँ गए? बॉस को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पैसे। अरे आमिर, तू यहाँ बैठा है, बॉस तुझे ऑफिस में ढूंढ रहे हैं। अरे यार, बॉस को देने वाले 2 लाख रुपए थे ना? हाँ, वो तो क्लाइंट के पैसे थे ना। वो मेरे से गुम हो गए यार। क्या, वो कैसे गुम हो गए? अरे यार, आज का दिन ही खराब है। और तो और पता क्या हुआ, रास्ते में मुझे एक चोर मिला। निकाल दो कुछ भी है। और मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है यार, मेरे पास कुछ नहीं। चल। अच्छा यार, तू परेशान ना हो, इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, और अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। क्या अच्छा यार, यार 2 लाख का नुकसान हो गया मेरा, बॉस को मैं क्या जवाब दूंगा? अच्छा तू परेशान ना हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तू बैठ 2 मिनट, मैं चाय मंगवाता हूँ तेरे लिए। अरे भाई, 2 कप चाय लाना। ये ले भाई आपकी चाय। भाई आप, मैं तो आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपके पैसे वहाँ गिर गए थे। ये आपके पास कहाँ से आए? आपके पैसे वहाँ गिर गए थे, आप जब चाय लेने आए थे। लगता ये पैसे भैया के हैं, लेकिन वो तो चले गए। लेकिन भैया, आप ये तो अपने पास रख सकते थे, आपने मुझे वापस क्यों कर दिए? अरे भाई साहब, ये पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? जब भी आप चाय पीने आते हैं, 10-20 एक्स्ट्रा दे के जाते हैं। आप सबके साथ भला करते हैं, मैं आपके साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी अल्लाह ताला सब देखते हैं। तूने बोला था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मान के अगर तेरे पैसे उधर ना गिरे होते तो वो चोर सच में तेरे पैसे ले लेता। इसलिए कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चल अब चलते हैं।